जहानागंज के टिल्लूगंज में हुई हृदय विदारक घटना के मुआवजे की मांग को लेकर छात्रों का एक दल आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा, जहां एक ज्ञापन सौंपकर उन्होंने अपनी बात रखी। यह छात्र जिलाधिकारी कार्यालय पर आए थे और एक ज्ञापन सौंपे हैं। इन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित इस ज्ञापन में यह लिखा है कि टिल्लूगंज बाजार की घटना बेहद दर्दनाक है और उसमें एक अनियंत्रित ट्रक ने कई लोगों को कुचलकर मौत की नींद सुला दिया। इतना ही नहीं, काफ़ी जनधन की हानि भी हुई, लेकिन जिनकी मौत हो गई उन्हें मुआवजा अभी तक नहीं मिला, ना ही घायलों को, जिससे जनमानस में भारी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। लिहाजा इन छात्र नेताओं की यह मांग है कि मानवीय दृष्टिकोण को अपनाते हुए मृतकों के परिवार के एक एक सदस्य को नौकरी और 10-10 लाख रुपए का मुआवजा तथा घायल परिवार को 5-5 लाख रुपए सरकारी कोष से दिया जाए। मैं टिल्लूगंज बाजार में जो ट्रक द्वारा दुर्घटना हुई है जिसमें 5 लोगों की जान चली गई है, उनके परिवार वालों को 10-10 लाख मुआवजे की मांग कर रहा हूँ और एक एक नौकरी की, जिससे उन्हें न्याय मिल सके। ज्ञापन किसको दिए हैं? ज्ञापन हम DM साहब को दिए हैं और मुख्यमंत्री जी को भी भेजे हैं DM साहब के द्वारा। DM साहब ने बोला है कि इस पे जो है कि हम लोग विचार करके आवश्यक जो है कार्रवाई कर देंगे। अगर मांगे नहीं पूरी हुई तो हम लोग जो है कि सड़क पे उतरेंगे, धरने पे बैठेंगे, आमरण अनशन करेंगे, आत्मदाह भी कर देंगे अगर ऐसा नहीं हुआ तो। आज हम लोग जिलाधिकारी साहब को ज्ञापन दिए हैं जो टिल्लूगंज में ट्रक से दब करके हत्या हो गई सभी लोगों की, हम लोग इस पे दिए हैं। हमारे सिवली कॉलेज और चंडेश्वर के और समाज सेवी संगठन लोग मिल करके हम लोग आज दिए हैं और मुख्यमंत्री जी से मांग किए हैं कि आप 10-10 लाख रुपए और मृतकों के परिवार के एक सदस्य को एक नौकरी दी जाए और जो घायल हैं उनके परिवार को 5-5 लाख रुपए की मांग किए हैं हम लोग।